भगवता प्रोक्तम भी भागवत होगा और व्याकरण की दृष्टि से भगवत्या प्रोक्तम भी भागवतम होगा। लेकिन भगवान ने कहा कि सुखदेव जी, व्यास जी, आपने तो बहुत सुंदर रचना तैयार की है, लेकिन इसमें हमारे श्री राधा रानी जी का कहीं पर नाम नहीं है, तो ये ऐसा ग्रंथ, ऐसा पुराण मुझे प्रिय नहीं है। तब व्यास जी ने उसमें श्री लगा दिया, श्रीमद् भागवत महापुराण। और ये जो श्री जी हैं, साक्षात श्री अश्वति, श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं। तो बड़भागिनी नाम से श्री राधा जी के तरफ संकेत करते हैं। अच्छा विचार करिए, आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो आप अपने पूरे घर को दिखाते हैं कि ये बेडरूम है, ये ड्राइंग रूम है, ये अतिथि कक्ष है, ये पूजा वाला कमरा है, ये स्टोर रूम है, ये आंगन है, ये हॉल है। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि अपने घर के तिजोरी को दिखाता है कि देखिए यहाँ पे मैं तिजोरी रखता हूँ, मेरे घर के सारे जेवर, सब आभूषण सब यहीं पर है, रुपया पैसा इतना है तिजोरी में, माल है इतना, सब कुछ रखा हुआ है। तिजोरी वाले जगह पर कोई नहीं ले जाता, उसको तो छिपा करके रखता है। तो कीमती वस्तु को हम छिपा करके रखते हैं, यदि बहुमूल्य वस्तु को छिपा करके नहीं रखेंगे तो उसका कीमत ही क्या रह जाएगा। तो ये जो श्री राधा रानी जी का नाम है, इसके समान इस संसार में तो कीमत किसी भी वस्तु का नहीं है। और जो श्री राधा रानी है वो सुखदेव जी की इष्ट है, आराध्या है। एक बार नाम ले ले श्री राधा तो 6 महीने के लिए उनकी समाधि लग जाती थी, कंठ अवरुद्ध हो जाता था, नेत्र सजल हो जाते थे, और शेष 7 दिन परीक्षित के पास। अब जब समाधि लग जाए बाबा के तो फिर परीक्षित का बेड़ा पार, तो उनकी सदगति, उनकी उनका मोक्ष भी तो करना था। इसलिए सुखदेव जी ने राधा जी का नाम संकेत रूप से ही लिया कि वो एक बड़भागिनी गोपी थी जिसके साथ भगवान अंतर ध्यान हो गए। सारी गोपियों ने अभिमान किया, राधिका रानी ने मान किया कि भगवान ने सबका परित्याग करके वो मुझसे अत्यधिक प्रेम करते हैं। और जैसे ही राधिका रानी ने ऐसा मन में विचार किया कि भगवान श्री राधिका रानी का भी त्याग करके अंतर ध्यान, क्योंकि जहाँ पर अभिमान हो, अहंकार हो, वहाँ पर एक क्षण के लिए भी हमारे ठाकुर जी ठहरने वाले नहीं। अब सारी गोपियों ने मिलकर के एक विरह गीत गाया जिसको कहते हैं गोपी गीत। और जो भी संसारवासी इस गोपी गीत का गायन करता है, श्रवण करता है, उसके मन में श्याम सुंदर के प्रति नित्य प्रतिदिन अनुराग बढ़ता है और उनके प्रति भक्ति बढ़ती है।